नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार लहर क्लासेस का इंग्लिश टीचर। आप सभी को मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया और आज स्टार्ट कर रहा हूँ एक्टिव टू पैसिव। और 11th और 12th के बच्चों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में एक पार्ट्स है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिसे हम वॉइस भी कहते हैं। इसको चेंज करना होता है, इंटरचेंजिंग। तो ये 9th, 10th, 11th, 12th के लिए है ये। तो आज से हम एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे। आज एक्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाते हैं। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे दिया हो, कोई सेंटेंस है एक्टिव में दिया होगा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो जब भी हम कोई सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव का एक रूल होता है, रूल से पढ़ाते हैं कि एक्टिव का ये सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा एक्टिव से पैसिव के लिए आप हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। मतलब जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। उल्टा हो जाता है, मतलब जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो वो जो बदल गए, मतलब जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो रहे हैं उसे हम नया नाम देते हैं। जैसे जो भी हम सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो बदलेगा सब्जेक्ट में, उसे हम न्यू सब्जेक्ट कहेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होगी पैसिव वॉइस। जो भी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी, जिस टेंस का होगा उस टेंस की पैसिव वॉइस होगी, हम उसे वहां पे पैसिव वॉइस में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फिक्स है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में आएगी। पैसिव वॉइस जब इंटरचेंजिंग इन पैसिव वॉइस होगा तो हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस वाय लगाएंगे, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उससे पैसिव वॉइस में बदला, तो वो न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदल रहा है उसे हम न्यू ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और उसके बाद जो भी बचेगा कॉम्प्लीमेंट वो हम आगे लेंगे। तो चेंज करेंगे, जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा आखिरी में ऑब्जेक्ट है हमेशा, तो न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है इसमें? आ लेटर, ठीक है। फिर इसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की, तो पहले चेक कीजिए कौन सा टेंस है। तो ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर, एम, ठीक है। तो आ लेटर के साथ हम क्या लिख देंगे? इज। अभी मैं हेल्पिंग वर्ब लिखवा देता हूं, कौन कौन से टेंस की कौन सी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें किसमें यूज करते हैं पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, मैं अभी लिखवाता हूं सेंटेंस के बाद। इस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? राइट्स। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। फिर बाय, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। क्या है न्यू ऑब्जेक्ट? मैंने अभी बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट में लिखो, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में लिखो। पर याद रखेंगे न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। मतलब यदि कोई ही है तो सब्जेक्ट का ही उसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, इट होगा तो इट ही रहेगा, आई मी में चेंज हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, और दे का देम। ये सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो क्या आता है? बाय, ये यहां से आपका चेंज होता है। लिख लीजिए, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी चेंज होती है, मतलब कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की आती है,
वो हम देख लेंगे। अब पहला जैसे है प्रेजेंट डेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये देख लीजिए यहां पे लिख लेना चाहे पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। तो चार टेंस कुछ होते हैं जो टेंस पैसिव वॉइस के नहीं बनते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट की यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इज आर एम होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हो जाती हैज बीन और हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट की वॉज वर्ब होती है और पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग। पास्ट परफेक्ट एंड बी। फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी, शैल बी और फ्यूचर परफेक्ट की होती है विल हैव बीन, शैल हैव। बी डबल ई एन है बी, शैल हैव बीन। तो ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम चेंज करके ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव इन कनेक्ट में हम लिखते हैं, इसे कनेक्ट कन्वर्ट करके तो लिख लीजिए। तो आप सभी को मैंने अफर्मेटिव का रूल बताया, हेल्पिंग वर्ब भी लिखवा दी है, तो उसके कुछ एग्जांपल और लिख कर लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही विल हेल्प यू, ठीक है। दूसरा है तीसरा है स्पीकिंग द ट्रुथ। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैंने भी रूल बताया, पहले न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट होता है क्या ऑब्जेक्ट, याद कर लीजिए। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए उसे मैं न्यू सब्जेक्ट बोलता हूं। प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी पैसिव वॉइस की आपको हेल्पिंग वर्ब, पहले टेंस पहचान लीजिए, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, फिर उसकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म वो फिक्स, फिर बाय और फिर न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, वही हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है, और फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट जो बचा है। तो जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट यू है और इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू ही होता है, तो हम न्यू सब्जेक्ट में से यू ही लिखेंगे। फिर चाहिए हमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब थी विल बी और शैल बी, यू के साथ क्या आएगा विल बी, इसमें हम सेल भी लगा सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं जगह पे यू के साथ सेल लगता है, कहीं यू के साथ विल आता है, तो अप्रोक्स आप विल ही इस समय ज्यादा किताबों में, कई किताबों में विल ही आया है, सो विल ही लगाएंगे आप लोग और
पहले सेल भी लगता था, कई किताबों में सेल भी लिखा है। तो यू विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर बाय और जो आपका सब्जेक्ट है सो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। फिर इसको देखते हैं, जैसे इसमें क्या चाहिए, पहले न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, पहले न्यू सब्जेक्ट क्या, फिर हेल्पिंग वर्ब आर है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग होती है, तो इसमें क्या आएगा, इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाय और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, तो यू का यू ही आएगा। जैसे यहाँ पे सी वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, की पैसिव वॉइस के अल्फा वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग, इसमें क्या आएगा, वॉज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय और जो आपका सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करें। समझ में आया, अब चेक करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट, जिस सेंटेंस में आ जाएगा तो एक्टिव का सेंटेंस जैसे बना देते हैं हम, बनाएंगे तो उसका एक रूल है, न्यू सब्जेक्ट, भाई न्यू सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, मतलब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और न्यू ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए आप, प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और न्यू ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो चेंज करेंगे, न्यू सब्जेक्ट क्या है हमारा, न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, वही हमारा न्यू सब्जेक्ट होता है, आ लेटर यही है। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो यहाँ पे नॉट वाले में एक नियम है, देखिए एक नियम के तरीके से बताता हूं कि यदि आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड या तीन वर्ड की मिल जाए, वैसे तो रूल्स यही होता है कि इज बीइंग है तो उसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए इज नॉट बीइंग लगा दू, आर बीइंग है तो आर नॉट बीइंग लगा दू, हैज बीन है तो उसे हैज नॉट बीन लगा दू। पर एक अलग तरीका है, मैं अलग तरीके से बताता हूं इसी को, कि यदि पैसिव वॉइस में आपको दो वर्ड या तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब दिखे, देखिए सिंगल वर्ड यदि पैसिव वॉइस की कोई सिंगल वर्ड है, जैसे आपका है इज आर एम अकेला है या वॉज वर्ब, तो आप हमेशा यहां हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम लिख दीजिए, वॉज वर्ब लिख दीजिए और नॉट बाद में आ जाएगा। पर दो वर्ड, जैसे कि दो वर्ड कौन कौन से हैं, इज बीइंग की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें लिखिए दो वर्ड, आर बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, ये सारे दो वर्ड हैं और एक और होता है तीन वर्ड का विल हैव बीन। तो आपको क्या है, नॉट वाले में एक टेक्निक है कि पहले वर्ड के बाद मतलब पहला वाला जो वर्ड होता है उस पहले वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब में लिख दीजिए और जो बचा हुआ वर्ड होता है उसे नॉट के बाद, पहला वाला वर्ड आप हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे, जितने भी हेल्प पैसिव वॉइस की दो वर्ड या तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी तो पहला वाला वर्ड हमको हेल्पिंग वर्ब में लिखना है और उसके बाद कितने भी वर्ड बचे हों आखिरी में उसे सब नॉट के बाद लिखना हो, चाहे वो आखिरी में दो वर्ड बचे चाहे एक वर्ड बचे। जैसे यहाँ पे है इस बीइंग, इस हेल्पिंग वर्ब में और जो बीइंग अकेला है एक वर्ड है वो नॉट के बाद, जैसे विल हैव बीन तो अकेला विल आएगा है हेल्पिंग वर्ब में, पर यहाँ दो वर्ड बच रहा हैव बीन वो नॉट के बाद लिखेंगे, विल नॉट हैव बीन। देखिए जैसे यहाँ पे अ लेटर इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग क्या होती है इज आर, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इसमें क्या आएगा इज बीइंग पर इज पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब।
फिर नॉट के बाद बीइंग आएगा, जो बचा वर्ड है वो नॉट के बाद आना है, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, फिर बाय, और फिर ही का आप उसका ऑब्जेक्ट लिख लीजिए हिम। सो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे हम। एक और है, she was calling you, तो she was not singing a song, इसको चेंज करेंगे जैसे हम, तो वही है, पहले आप सॉन्ग से उठाएंगे, फिर was, आप देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की पैसे वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है, was not being, मतलब was being और were being। तो मैंने बताया पहला वाला वर्ड जो होता है was, यहां पे भी देख लेते हैं, was being, पहला वाला जो वर्ड होगा वो हम हेल्पिंग वर्ब में लिखते हैं, और जो बचा वर्ड होगा उसे हम नॉट के बाद लिखते हैं। फिर verb की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म सन, फिर बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, क्या आएगा, इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, और अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है आस्किंग का क्वेश्चन, या ये देख लो, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, तो हम उस सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस लिखा हो, प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होगा, उसे ही पहचान सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पर मेन है हमारा इंटरोगेटिव पहचानना है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी हेल्पिंग वर्ब से। तो इसे जब हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो उसका रूल है, पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे जो भी होगी, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव वॉइस, फिर हमें न्यू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर जो न्यू ऑब्जेक्ट होगा वो, और फिर कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए, न्यू सब्जेक्ट मीन्स है ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट मतलब है उसका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होती है पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऐसा नहीं है आर लिखा है तो आर ही आएगा। आप आर तो बता रहा है मुझे कौन सा टेंस है, हम लोग को बता रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और उसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, किस हिसाब से हमें इसकी हेल्पर लगानी है। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक है जो मैंने नेगेटिव में बताई, इसमें भी टेक्निक होगी कि यदि पैसिव वॉइस की दो वर्ड इसमें भी होंगी, यदि सिंगल वर्ड है तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, जैसे इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, तो हेल्पिंग वर्ब में लिख देंगे। पर यदि दो वर्ड या तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे इज बीइंग, आर बीइंग, was being, were being, has been, have been, will be, shall be, या will have been, तो दो वर्ड या तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी तो पहला वाला वर्ड हम लिखेंगे केवल पहला वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब में, और जो बचा हुआ वर्ड होगा उसे हम लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट के बाद। पहला वाला वर्ड, जो भी पहला वाला वर्ड होगा उसे हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे, उसके बाद जितने भी वर्ड बचे होंगे सारे आएंगे न्यू सब्जेक्ट के बाद। जैसे इसमें कौन सा आ रहा है, इज, आर, एम, मतलब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो देखिए क्रिकेट है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसमें इज बीइंग लगता है, पहले इज, फिर न्यू सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ वर्ड बीइंग है वो न्यू सब्जेक्ट के बाद, तो न्यू सब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट, फिर जो बीइंग बचा था वो यहां लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड, फिर बाय, और न्यू ऑब्जेक्ट
मतलब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करें और क्वेश्चन मार्क लगा दें लास्ट में, ये हमारा खत्म इंटरोगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं। Has he stolen my book? देखिए, has he stolen my book? इसको ही वैसे ही बनाएंगे, पहले helping verb कौन सा has है, तो और उसके बाद new subject के हिसाब से helping verb लगाएंगे। new subject क्या है आपका? my book, singular word है, तो हम इसमें क्या आएगा, या तो has been या have been। तो इसमें देखिए पहला आपको singular word है तो has been ही आएगा, my book, तो माय बुक के हिसाब से हैज बीन आना पहला वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब में, मतलब हैज, और जो बीन है वो न्यू सब्जेक्ट, मतलब जो माय बुक है उसके बाद, जो बचा है बीन वो आपको बाद में देखना है। फिर क्या बर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टोलेन ही होगी। फिर बाय जो हमारा सब्जेक्ट है उसे आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, उनका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटरोगेटिव खत्म हो गया। आज के लिए इतना ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए घर पे, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इस वीडियो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।